हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और आज की वीडियो होने वाली है पार्ट टू ऑफ माय इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कंट्रोल्स माय मेकअप लुक। तो मुझे कुछ कमेंट्स और डीएम्स आए थे इस वीडियो का पार्ट टू करने के लिए। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं उसे यहाँ लिंक कर दूंगी आई बटन में, आप उसे चेकआउट करना। वो लुक बहुत अमेजिंग टर्न आउट हुआ था, इट वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट लुक्स। सो या इफ यू वॉन्ट नो कि आज का लुक कैसे टर्न आउट होता है तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। और अगर आप ऐसी वीडियोस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैं वहां पर पोल डालती रहती हूँ। एंड येस, इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू वॉचिंग माई वीडियो, देन मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड विल हैव अ लॉट ऑफ फन अराउंड हियर ऑन दिस चैनल। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल right next to the subscribe button so that you don't miss any of my uploads. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. तो अभी मेरा फेस एब्सोल्युटली क्लीन है, मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम अपना स्किन प्रेप करेंगे। उसके लिए मैंने आप लोगों को दो ऑप्शन दिए थे, आइदर अ क्ले मास्क और अ शीट मास्क। और मेरी स्किन काफी ज्यादा ड्राई फील कर रही है बिकॉज ये थर्ड लुक होने वाला है जो मैं आज शूट कर रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मेरे लिए शीट मास्क ही चूज किया है। सो आज जो मैं शीट मास्क यूज करने वाली हूँ वो होने वाला है ये रियो हर्ब्स का एज डिफाइंग शीट मास्क। इसमें है राइस, पोमीग्रेनेट एंड रेटिनॉल जो कि आपके स्किन में एजिंग फैक्टर्स को रिड्यूस करता है। एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। मेरी स्किन बहुत ड्राई फील कर रही है, सो लेट्स गेट दैट इंस्टेंट बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन। एंड या इट इज़ अ वेरी वेरी टिपिकल शीट मास्क, वाइट कलर का। वाओ, दिस स्मेल्स अमेजिंग। ओके, सो मैंने शीट मास्क लगा लिया। आई नो आई लुक वेरी वेरी फनी एट द मोमेंट क्योंकि ये शीट मास्क ना मेरे फेस पे कभी भी फिट नहीं होते अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो ये ऐसे रिंकल रिंकल से बन जाते हैं इसमें। बट एनीवेज, ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग फील हो रहा है मेरी स्किन पे। जब तक कि ये सीरम अच्छे से मेरी स्किन पे एब्जॉर्ब होता है मैं आपको इस मास्क के बारे में बताती हूँ। इसमें रेटिनॉल, नाइसिनमाइड एंड ग्लाइकोलिक एसिड भी है जो आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करने में भी हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हैज एलोवेरा एंड एलेंटोइन दैट हेल्प्स टू गेट योर स्किन रिड ऑफ डलनेस, फाइन लाइंस एंड डार्क स्पॉट्स। एंड इट ऑल्सो वर्क्स फॉर न्यू सेल रेजुविनेशन। रेटिनॉल है सो दैट इज ऑब्वियसली देयर नाउ, क्योंकि इसमें रेटिनॉल है तो आई वुड सजेस्ट यूजिंग इट एट द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। बट अभी क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रही थी एंड मुझे शीट मास्क लगाना था एंड आई वाज रियली डाइंग टू यूज दिस शीट मास्क, तो इसलिए मैंने अभी लगा लिया। बट रेटिनॉल को मोस्टली आई प्रेफर यूजिंग एट द नाइट टाइम ओनली। एंड या नाउ आई लेट दिस सिट ऑन माय फेस फॉर सम टाइम एंड आई विल बी राइट बैक। माय स्किन इज ऑलरेडी फीलिंग रियली रियली हाइड्रेटेड, काफ़ी अच्छे से सीरम एब्जॉर्ब हुआ है मेरी स्किन में और ये जो एक्सेस है इसे मैं अच्छे से मसाज कर लेती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक वेस्टिंग द सीरम ऑफ माय शीट मास्क। तो ओके, सो मूविंग अहेड, मेकअप करने से पहले एज यूजुअल मैं अपना मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी क्योंकि मेकअप से पहले स्किन प्रेप बहुत जरूरी है। तो आज मैं मॉइस्चराइजर के लिए यूज करूंगी ये रियो हर्ब्स का वाटर क्रीम। तो ये इसका टेक्सचर है, कुछ एक्वा ब्लू कलर की ये क्रीम है, कलर तो बहुत सुंदर है एंड इट डजंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑल्सो। तो ये बहुत ज्यादा लाइट टेक्स्चर है, जेल कंसिस्टेंसी है। अभी मैं इसको अपने फेस पे लगाती हूँ। वाओ, ये काफी इजीली मेरी स्किन पे अब्सॉर्ब हो गया है और मेरी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज फील कर रही है। सो आई रियली लाइक दिस मॉइस्चराइजर एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है एक्वा ग्लिसरीन, वाइटामिन ई, कॉलेजन एंड हाइलोरोनिक एसिड। तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स बहुत अमेजिंग है आपके स्किन को फॉर्म रखने में। एंड हाइलोरोनिक एसिड है, वाइटामिन ई है, तो आपका स्किन ब्राइट एंड प्लम्प जूसी भी लगेगा एट द सेम टाइम। सो दिस मॉइस्चराइजर इज रियली अमेजिंग। अब फटाफट से सनस्क्रीन लगा लेती हूँ क्योंकि सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मेकअप हो चाहे मेकअप ना हो, सनस्क्रीन बहुत जरूरी है बिकॉज सन प्रोटेक्शन इज अ मस्ट फॉर योर स्किन। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये रियो हर्ब्स का SPF स्प्रे। नाउ दिस इज SPF 50 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड दिस कम्स इन अ स्प्रे बॉटल एंड ऑल्सो इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इस सनस्क्रीन का बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत ज्यादा लाइट है एंड प्लस ये स्प्रे फॉर्म में आती है, तो आप इसको बहुत इजीली अपने पूरे फेस पे एंड इवन अपने हैंड्स पे भी स्प्रे कर सकते हो। तो आपकी पूरी बॉडी सन प्रोटेक्टेड रहेगी। एंड द वेरी कन्वीनियंट पार्ट अबाउट स्प्रे सनस्क्रीन्स इज दैट आप उसको बहुत इजीली अपने मेकअप के ऊपर रीअप्लाई भी कर सकते हो, वो आपका मेकअप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मैं हमेशा स्प्रे सनस्क्रीन कैरी करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ ताकि मैं मेकअप के ऊपर आराम से सनस्क्रीन लगा लूँ। सो ऑल दीज थ्री प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट फॉर अ प्री मेकअप स्किन केयर रूटीन। अगर आप रियो
स्क्रब्स के बारे में नहीं जानते हैं तो दिस इज अ ब्रांड दैट एम्स एट गिविंग यू प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन अफोर्डेबल प्राइस एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं नन अदर देन आवर फेवरेट सोनाक्षी सिन्हा एंड दीज प्रोडक्ट्स आर एज अमेजिंग एज शी इज ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर क्रूल्टी फ्री पैराबिन फ्री एंड सल्फेट फ्री तो अगर आपने अभी तक ये प्रोडक्ट्स चेकआउट नहीं किए हैं तो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप जरूर चेकआउट करना और आप ये कोड भी यूज कर सकते हो एडिशनल डिस्काउंट के लिए सो अब मेरा स्किन पर बहुत अच्छे से हो गया है तो अब हम शुरू करते हैं अपना मेकअप तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो या यू कैन चेक देम आउट सो सबसे पहला स्टेप होने वाला है प्राइमर मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया था मैट या हाइलाइटिंग प्राइमर और क्लियरली आप लोगों ने चूज किया है सिलिकॉन बेस्ड मैट प्राइमर तो मैं फटाफट से एक मैट प्राइमर अपने फेस पे लगा लेती हूँ नाउ व्हेनेवर आई यूज सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आई डोंट यूज इट ऑन माई एंटायर फेस आई कॉन्सेंट्रेटेड मेनली ऑन माई टी जोन क्योंकि वहीं पे मेरे पोर्स ज्यादा है सो नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन और फाउंडेशन के लिए मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया था फुल कवरेज फाउंडेशन या नेचुरल कवरेज फाउंडेशन का और आप लोगों ने चूज किया है नेचुरल कवरेज फाउंडेशन तो मैं फटाफट से अपने फेस पे ये फाउंडेशन डॉट कर लेती हूँ और इसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूंगी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मुझे ये वीडियोस करने में बहुत मजा आता है जहाँ पे मेरा भी इनपुट रहता है और आप लोगों का भी इनपुट रहता है आई फील रियली रियली हैप्पी क्रिएटिंग दीज वीडियोस तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी वीडियो आइडियाज हैं या आप कोई भी क्वेरी मेकअप स्किन केयर रिलेटेड Anything in general, so you can drop all of that in the comment section below. Okay, so foundation apply हो गया है अब आते हैं concealer पे तो आप लोगों ने चूज किया है ओनली कंसीलर एंड यू वॉन्ट मी टू स्किप द कलर करेक्शन इसलिए मैंने फाउंडेशन के पहले कलर करेक्शन नहीं किया सो मैं ये कंसीलर फटाफट से अपनी अंडर आईज पे लगा लेती हूँ एंड थोड़ा सा ऑन दिस एक्ने मार्क्स दैट आई हैव अब मैं अगेन इसे ब्लेंड करूंगी यूजिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर तो मेरे पास अभी भी कुछ कॉमेंट्स और डीएम आते हैं कि बेस केकी हो जाता है या फिर बेस ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है ऑक्सीडाइज कर जाता है मतलब बेस से रिलेटेड बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे डीएम में मोस्टली आते हैं इंस्टाग्राम पे तो मैं उस बारे में एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ अभी रिसेंटली तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है तो आप उसे चेक करो वहाँ पे आपके बेस से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं एंड ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स टू कीप योर बेस लॉन्ग लास्टिंग एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग सो या यू कैन चेक दैट वीडियो आउट सो अभी डायमेंशंस के लिए आप लोगों ने बोला है टू यूज़ अ वॉर्म टोन ब्रॉन्जर तो मैं मोस्टली ब्रॉन्जर यूज़ करती नहीं हूँ आई प्रेफर कॉन्टोर बट मेरे पास ना ये एक स्टिक है फाउंडेशन स्टिक जो कि मेरी स्किन टोन से थोड़ी डार्क है एंड काफ़ी वॉर्म टोन है तो मैं ना इसी को आज एक क्रीम ब्रॉन्जर की तरह यूज़ कर लेती हूँ तो ब्रॉन्जर बेसिकली वॉर्म टोन होता है एंड इट गिव्स दैट सन किस्ड लुक तो जहाँ जहाँ पर मैं कॉन्टोर अप्लाई करती हूँ जनरली आज मैं अप्लाई करूँगी ये वॉर्म टोन ब्रॉन्जर एंड आई एम ब्लेंडिंग दिस यूजिंग अ ब्रश क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स इन माई ओपिनियन आर ब्लेंडेड बेस्ट विद अ ब्रश ओके सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी एनी डिफरेंस बट इट हैज़ डेफिनेटली वॉर्म्ड अप माई फेस बट आई वुड से आई स्टिल प्रेफर माई कॉन्टोरिंग बिकॉज इट जस्ट गिव्स मी अ वेरी शार्प एंड चिजल्ड लुक बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेरी वेरी चबी सो आई लाइक दैट बेटर बट एनी वेज आज इसी के साथ काम चलाएंगे अभी हम बढ़ते हैं ब्लश की तरफ तो ब्लश में मैंने आप लोगों को तीन शेड ऑप्शन दिए थे पीची ब्राउन रेड एंड पिंक और आप लोगों ने चूज़ किया है पीची ब्राउन शेड तो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ एक पीची ब्राउन कलर का ब्लश ये ब्लश मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ऑल दो ये मेरी स्किन टोन पे उतना ज़्यादा नहीं उभर के आता है जितना कि रेड्स एंड पिंक्स आते हैं बट स्टिल इट इज़ अ वेरी वेरी पिगमेंटेड ब्लश एंड काफ़ी अच्छा और नेचुरल लुक लगता है एंड प्लस ये काफ़ी ज़्यादा वार्म टोन्ड है तो आप लोगों का जो वो ब्रॉन्जी लुक का प्लान था ना तो ये उसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा तो मैं इसे ना ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब भी मैं इसे ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करती हूँ ना ये पूरा ही अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लेंडर में और फिर ना स्किन पे नहीं शो करता है तो मुझे लगता है उस ब्रॉन्जर से ज़्यादा ब्रॉन्जी लुक तो मुझे इस ब्लश ने ही दिया है सो आई थिंक आई कैन यूज़ दिस ब्लश मोर ऑफ एज अ ब्रॉन्जर रादर देन अ ब्लश आप लोगों को क्या लगता है देखो एकदम ही वॉर्म एकदम वॉर्म्थ मिल गया है फेस को और काफ़ी नेचुरल लुक आ रहा है सो या दिस वॉज फॉर द ब्लश तो अभी हम ये पूरा सेट करते हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया था लूज पाउडर एंड प्रेस पाउडर का एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अ लूज पाउडर बिकॉज आई डोंट नो इफ यू गाइज नो और नॉट बट आई डू नॉट लाइक हाउ कॉम्पैक्ट पाउडर्स वर्क फॉर मी ऑल्दो मैंने ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर्स यूज़ किए नहीं है बट जो एक दो मैंने यूज़ किए हैं
मुझे ऐसा लगा था कि मेरा मेकअप बेस उनको यूज़ करने से ना ज़्यादा केकी हो जा रहा था, सो इसीलिए आई स्टिक टू माई लूज पाउडर्स, दे टेंड टू वर्क रियली ग्रेट फॉर मी। ओके, सो नाउ दैट आई सेट माई एंटायर फेस, आई थिंक ब्लश बिल्कुल गायब सा हो गया है, सो मैं इसको टॉप अप करूँगी एक पीच पाउडर ब्लश से। तो मेरे पास ब्रॉन्जिंग पाउडर है नहीं, सो आई विल लीव दैट देयर इटसेल्फ, और मैंने ब्लश को थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर दिया है। सो लेटली आई बीन लविंग सेटिंग स्प्रेज, बट आज आप लोगों ने बोला है डिच सेटिंग स्प्रे एंड यूज अ मेकअप फिक्सर, तो आज मैं मेकअप फिक्सर अप्लाई करने वाली हूँ, सो दैट विल लॉक द मेकअप परफेक्टली इन प्लेस। अभी हम बढ़ते हैं अपना आई मेकअप की तरफ, सो आई जूम यू गाइज इन। स्टार्ट करते हैं आईब्राउज के साथ। आईब्राउ के लिए आप लोगों ने चूज किया है आईब्राउ पेंसिल, सो आई विल बी यूजिंग एन आईब्राउ पेंसिल टूडे। सो द यूजुअल ड्रिल, पहले आईब्राउ हेयर को टेम करेंगे स्पूली से, फिर उसे फिल करेंगे और फिर वापस से टेम कर लेंगे आईब्रोज पुली की मदद से। आईब्रोज आर डन नाउ, तो अभी हम बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप में आप लोगों को दो चीज़ें दी थी मैंने चूज़ करने को, एक तो आप लोगों ने कलर चूज़ करना था न्यूट्रल्स या बोल्ड कलर्स, आप लोगों ने चूज़ किया है न्यूट्रल्स, एंड देन आई गेव यू टू ऑप्शन फॉर द आई शेडो स्टाइल, दैट वो हेलो आइज और स्मोकी आइज, आप लोगों ने चूज़ किया है स्मोकी आइज। तो हम आज क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही न्यूट्रल सा स्मोकी आई लुक, और ये आई लुक बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है एवरी डे व्यूअर के लिए, सो लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट। सो अभी मैं एक डार्कर कलर लेने वाली हूँ, सिनेमन ब्राउन शेड है ये, अभी वो हो गया है तो मैं एक लाइटर शेड लूँगी और इसको ब्लेंड करूँगी। टेक योर टाइम विद द ब्लेंडिंग, तभी वो अच्छा सा स्मोकी इफेक्ट आएगा। सो अभी ये ब्लेंड हो गया है, आई फील द इंटेंसिटी इज अ लिटिल लेस, तो मैं इसको थोड़ा और इंटेंसिफाई करूंगी। सो वापस से मैं वही डार्कर शेड अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस करूंगी और फिर से मैं वो लाइटर शेड की हेल्प से इसे ब्लेंड करूंगी। आप ये स्टेप तब तक कर सकते हो जब तक कि आपको अपने आई शेडोज की इंटेंसिटी पसंद नहीं आ रही है, इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस कि आपको कितना ज़्यादा डार्कर कलर चाहिए। तो मैं सिर्फ एक बार और करूँगी बिकॉज आई थिंक This is looking pretty good, so I will just blend it out. तो अभी मैं एक जेल आईलाइनर और एक एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी लैश लाइन को लाइन करूँगी, बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन ड्रॉ करूँगी विदाउट एनी विंग। सो मैंने अपनी लैश लाइन के क्लोज ये लाइन ड्रॉ की है एंड आई एम नॉट विंगड इट आउट। अब मुझे पसंद है अपना आईलाइनर एकदम अंदर से बाहर तक, बट अगर आपकी आईज छोटी हैं या फिर आपको इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं पसंद है ना, तो आप हाफ आईलाइनर भी क्रिएट कर सकते हो, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड गो टिल हियर, डोंट टेक इट ऑल द वे यहाँ तक। एंड ऑल्सो अगर आपको ब्लैक नहीं पसंद ना, तो आप ये चीज़ ब्राउन कलर के जेल लाइनर या फिर काजल पेंसिल के साथ भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको सेट करने वाली हूँ ब्लैक कलर के आई शेडो की हेल्प से, एंड व्हाइल आई डू दैट ये आउटर कॉर्नर पर मैं थोड़ा सा स्मज भी करूँगी। अभी जो मैंने दोनों ब्राउन शेड्स ऊपर लिड पर यूज़ किए थे, उन दोनों को मैं मिक्स करके अपनी लोअर लैश लाइन पे रन करूंगी। सो अभी मैं अपनी वाटर लाइन पे ये न्यूट कोल लगाऊंगी, मुझे आजकल ब्लैक कोल से ज़्यादा न्यूट कोल पसंद आ रहा है, आई डोंट इवन यूज़ वाइट कोल क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट कोल ज़्यादा नेचुरल लगता है एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड इट ओपन्स अप द आईज इंस्टेंटली। एंड अभी हम बढ़ते हैं अपनी लैशेस की तरफ, तो आप लोगों ने मना किया है फॉल्स लैशेस के लिए, सो आई विल बी यूजिंग ओनली मस्कारा टुडे। And I'm using this washable mascara that this is not waterproof, but this mascara does wonders to my lashes. So this is just a single coat on both of my lashes. Yahan mascara nahi hai, yahan mascara hai, and see the difference. Okay, so now I will highlight my face on the usual points. I am using this very very subtle highlighter जो आप लोगों ने चूज़ किया था, सो रोज़ गोल्ड और गोल्ड में से आप लोगों ने चूज़ किया ये रोज़ गोल्ड हाइलाइटर एंड इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। ऑल दो मैं जनरली गोल्ड टोन्स की तरफ ज़्यादा जाती हूँ, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो दैट आई एक्सपेरिमेंट एंड गो आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, बट यार दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। एनी वेज ये हाईलाइटर काफ़ी ज़्यादा सटल है और मैं इसको अपनी इनर कॉर्नर पे भी लगाऊंगी ताकि इट जस्ट ओपन्स अप माय आई। अभी लास्ट स्टेप बचा है लिप्स, एकदम नेक टू नेक टक्कर थी मैट और ग्लॉसी में, बट 57% से हमारे मैट लिप्स जीत गए हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं आज एक लिक्विड लिपस्टिक। इट इज़ अ ब्यूटिफुल न्यूड ब्राउन काइंड ऑफ अ शेड, काफ़ी वार्म टोन है तो मेरे ब्लश के साथ अच्छे से जा रहा है एंड दिस एंटायर लुक नाउ लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल।
सो आई होप यू गाइज लाइक दिस लुक. आई एम रियली लविंग इट. एवरीथिंग वेरी वेरी वार्म टोन. सो इट वॉज नॉट अ लॉट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, बट येस स्टिल देर वॉज सम थिंग्स दैट आई गॉट टू एक्सपेरिमेंट विद टूडे. एंड दिस इंटायर वार्म टोन न्यूड काइंड ऑफ अ लुक, आई एम literally dying for it, and I'm definitely gonna do this look more often. And yeah, let me know in the comment box below ki aap logo ko ye look kaisa laga. Aur koi bhi video ideas, questions, anything are always welcome. Drop them in the comment box below. And agar aapne abhi tak mere channel ko subscribe nahi kiya hai, please kar do, hit that red subscribe button and the notification bell right next to you, so that you get notified every time I upload a new video. Now I will see you super super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.